ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। वणिका कुंडू छेड़छाड़ केस में आरोपी विकास बराला को रिहा कर दिया गया है। कल हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी और अब विकास बराला की रिहाई हो गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, वणिका कुंडू छेड़छाड़ केस में आरोपी विकास बराला को रिहा कर दिया गया है। कल हाईकोर्ट की ओर से विकास बराला को जमानत दी गई थी, उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया गया था और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक विकास बराला को जेल से रिहा कर दिया गया है। विकास बराला की जेल से रिहाई हो गई है। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। कल हाईकोर्ट ने विकास बराला की जमानत को मंजूरी दी थी, जिसके बाद विकास बराला की आज रिहाई हुई है। हिमाचल के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के भाई शिवकांत ने जनता टीवी के संवाददाता दीपक मुटरेजा से बात की है। बातचीत के दौरान शिवकांत ने जस्टिस सूर्यकांत की जिंदगी से जुड़ी कुछ पहलू जनता टीवी के साथ साझा किए हैं। किया है हिसार जिले के पेटवाड़ गांव के निवासी जस्टिस सूर्यकांत अब हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस होंगे। जानते हैं उनके बारे में उनके ही बड़े भाई भिवानी के मशहूर डॉक्टर शिवकांत से। जी शिवकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार सर। क्या कहना चाहोगे चीफ जस्टिस जी के बारे में, किस तरह के माहौल में आप लोग रहे हैं, बचपन की शुरुआत किस तरह से हुई थी? राजनीति में भी, साहित्य में भी, खेलों में भी, चाहे वो स्वयं एक कभी खिलाड़ी नहीं रहा किसी खेल का, लेकिन खेलों के प्रति उसका रुझान, सारी जो उस दौरान जो भी खेल की गतिविधियां होती थी सबके बारे में जागरूक रहता था। राजनीति के बारे में सब उसको अपडेट रहता था और साहित्य और संगीत के प्रति उसका बहुत गहरा लगाव है। और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा वो एक समर्थ और श्रेष्ठ कवि भी है। इतिहास में 38 साल की आयु में कोई भी वकील किसी स्टेट का एडवोकेट जनरल नहीं बना और ये गौरव उसी को है। कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, जिस प्रकार से मेहनत जस्टिस सूर्यकांत ने की है आज उसी प्रकार से उनको फल मिला है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी।